से आए हैं आयुका यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स। ये खगोल शास्त्र खगोल भौतिक में काम करने वाली संस्था है हमारी। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है लेकिन वहाँ पर बच्चों के लिए भी काम होता है, जैसे स्कूल लेवल के लिए। तो उसमें से एक एक्सपेरिमेंट है हमारा साइकिल, इसके ऊपर हमने 40 एक्सपेरिमेंट लगाए हुए हैं साइकिल के ऊपर। जैसे हाँ, जैसे कि अभी समझो यहाँ पर जो ये कलर डिस्क लगाई हुई है, ये न्यूटन डिस्क है। जब आप साइकिल घुमाओगे तो वो 7 कलर जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो वाइट कलर आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर एक डायनोमो लगाए हुए है, जैसे ही साइकिल चलाओगे आप तो सामने वाला लाइट जलेगा, दिख रहा है? और ये पीछे वाला कनेक्ट करोगे तो ये पीछे वाला लाइट जलेगा, तो ये इलेक्ट्रो डायनोमो लगेगा। हाँ, और फिर जब साइकिल चलाते समय आप ये कैप पहनोगे तो आपको धूप भी नहीं लगेगी, और ये सोलर कैप है, ये सोलर से आपको यहाँ पर मोटर चलेगी और आपको हवा भी मिलेगी। तो ये सिंपल सोलर कैप बनाए हुए है। फिर यहाँ पर हमने एक सिंपल टेलीस्कोप लगाया हुआ है, जिससे आप दूर की चीज़ें और मून की क्रेटर्स ये भी देख सकते हो। तो वो सिंपल गैलीलियन टेलीस्कोप है। हाँ, ये कैसे भी बना सकते हो आप, पीवीसी पाइप से भी बना सकते हो। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, लेंस और ये आईपीस, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, अभी यहाँ पर आएंगे तो हमने एक साउंड का एक्सपेरिमेंट बनाया था। आप कौन से क्लास में हो? सेवन्थ। साउंड एक चैप्टर है आपको, साउंड होगा ना, सिक्स में या सेवन में ही है साउंड? तो सिक्स में साउंड का चैप्टर है, उसमें आप साउंड कैसा बनता है, साउंड बनने के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। साउंड बनने के लिए एक तो वाइब्रेशन और मीडियम चाहिए। मीडियम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हवा ब्लो करेंगे और यहाँ पर आपको देखना है वाइब्रेशन बन रही है तो साउंड आ रही है। तो ये साउंड का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर हमने सोलर पैनल बिठाया सोलर एनर्जी के लिए। यहाँ पर देखिए ये LED जल रही है सोलर पर। और ये दूसरा जो है वो विंड मिल जनरेटर है। विंड से जब साइकिल चलाओगे तो आपका ये फैन रोटेट होगा, और ये फैन रोटेट होने से यहाँ पर लाइट जलेगी, दिख रही है? हाँ, आप खुद इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और कॉपर की कॉइल बनाई हुई है। फिर यहाँ पर सिंपल सॉल्ट वाटर बैटरी लगाई हुई है। इसके अंदर नमक और पानी, ये दोनों चीज़ें यूज़ करके ये घड़ी लगाई हुई है इसकी। लेकिन ये ट्यूब फूट गई है अभी, इसके वजह से उसके अंदर पानी नहीं रुक रहा, तो ये घड़ी बंद गिरी है। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक कंपास लगाया था, इससे आपको पता चले कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पर जो ये स्ट्रॉ डाली है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताने के लिए है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी क्या है, सेंटर की चीज़ें बाहर की तरफ जाएगी, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो वो बताने के लिए हमने वो स्ट्रॉ लगाई हुई है। फिर अभी साइकिल चलाते समय साइकिल क्यों गिर नहीं जाती, रुकने के बाद ही क्यों गिर जाती है? तो गायरोस्कोपी इफेक्ट होता है, रुको सर, तो गायरोस्कोपी इफेक्ट होता है। तो गायरोस्कोपी इफेक्ट के लिए हमने ये सीढ़ी का एक स्पिनर लगा के ये मॉडल बनाया हुआ है। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन हम इसको राउंड करके छोड़ोगे तो ये गिरेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा। ऐसा ही गायरोस्कोपी इफेक्ट बताने के लिए एक्सपेरिमेंट बनाया है। तो ऐसे 40 एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर लगाए हुए। ओके, वाटर रॉकेट अभी क्या है ना मैम, थैंक यू सर।